सो हाय गाइस, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं इस MIUI 9 की न्यू रोम को, न्यू अपडेट को, जो कि आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले से कुछ फीचर्स यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं MI वीडियो प्लेयर अब आपको इस अपडेट में मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। एक वोल्ट आपको मिल गया है पास में, जिससे कि आप आराम से स्मार्ट असिस्टेंट्स, जो कि अभी तक के MIUI 9 के बीटा रोम में था, वो अब आपको MIUI स्टेबल में भी मिल गया है। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट फोन जो है वो नीचे से अब जो है सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, जैसा कि सब कुछ सेम ही है, बस जो है वो नीचे था यहाँ पर, अब जो है वो ऊपर आ गया है। और अब अगर बात करें तो एक्सप्लोरर की, यहाँ पर बात करें तो एक्सप्लोरर भी यहाँ पर जो है आपको इसका नया यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। एक्सप्लोरर यहाँ पर आपको नया पूरा मिल जाएगा, पूरी नई डिज़ाइन के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा ये, और काफ़ी कुछ अच्छा इसमें आपको दिख जाएगा। और अगर अगली बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने पूरे डे, पूरे दिन में कितना नेट यूज़ किया है, जैसे कि 1 GB मिलता है तो आपने उसमें से कितना यूज़ किया है, आप सीधा सीधा ऊपर से भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 415 MB मैंने अभी तक के पूरा वेस्ट कर दिया है, मतलब उड़ा दिया है। तो अब अगर अगले चेंज की बात करें यहाँ पर, तो अगला चेंज आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ आइकन्स जो है वो आइकन्स थोड़े मॉडिफाइड हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नया आइकन्स आपको दिखने को दिख सकते हैं यहाँ पर YouTube प्ले स्टोर और MI वीडियो का। यहाँ पर कुछ कुछ जो है आइकन्स जो है यहाँ पर मुझे थोड़े से चेंज लगे। यहाँ पर अगर गूगल्स में भी जाएँ तो गूगल्स में भी आपको कुछ यहाँ पर आइकन्स जो है चेंज दिखेंगे। और अब अगर अगली बात करें यहाँ पर, तो आप लोगों को थीम्स का तो यहाँ पर पता होगा ही सही कि थीम्स में जो है प्रॉब्लम आ रही थी कि आप किसी और थर्ड पार्टी की थीम्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अब आप कर सकते हैं यहाँ पर थीम्स को जो है, थीम्स को अब आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको iPhone X की यहाँ पर दिखा देता हूँ थीम्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इम्पोर्ट हो चुकी है। और इम्पोर्ट करी हुई सबसे पहले आपको ऊपर दिखा देता हूँ, वैसे मैंने पास पहले से इम्पोर्ट कर रखी थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसको मैं अप्लाई नहीं करूँगा। और आपको दिखा देता हूँ मैं कि और क्या यहाँ पर आपको नया देखने को मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही थी फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, यहाँ पर आइडेंटिफायर फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी लेट कर रहा था, तो वो प्रॉब्लम भी अब जो इस अपडेट में सॉल्व हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पर अगर रिव्यू की बात करूँ मैं इस MIUI 9 के अपडेट में, तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है यहाँ पर, तो आप इसे अपडेट कर लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स नए नए देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि MI वोल्ट वगैरह का फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो बैटरी बैकअप का वीडियो मैं बना चुका हूँ और वो अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में मैं इसे का दे दूँगा, आप देख लेना ऊपर। और काफ़ी कुछ अच्छा है यहाँ पर, बट रैम मैनेजमेंट की अभी भी शायद तक कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली है, रैम मैनेजमेंट में अभी भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है शायद तक ये कभी भी हो पाए या ना हो पाए। तो मुझे बस आपको इतना ही बताना था इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, और धन्यवाद आपका जो आप लोगों ने वीडियो देखा।